राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूहों को समृद्ध बनाने के लिए सभी नगर निकायों के अलावा सरकारी कार्यालयों में दीदी कैंटीन खुलवाई जाएगी। आपको बता दें, इसका संचालन भी महिला समूहों द्वारा किया जाएगा और इससे होने वाली आय से समूहों की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दीदी कैंटीनों का जो अभियान चलाया है, एक सराहनीय कदम है और शहरी विकास मंत्रालय की इस कदम का स्वागत करता हूँ। और साथ ही स्वयं सहायता समूह को के द्वारा महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो परिवार के खर्चों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा, जिससे बच्चे शिक्षित रहेंगे और वो स्वास्थ्य लाभ भी ले सकेंगे। इसके साथ साथ मैं अभी सरकार से ये भी अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि शहरी क्षेत्र के अलावा इस दीदी कैंटीन को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक एक अभियान के तहत में चलाया जाए, ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्रीय समिति के स्तर पर, और ये स्वयं सहायता समूह के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ये समूह चलाने का मौका दिया जाए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी महिलाओं के बीच में काम कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारी मातोश्री श्रम सहकारी समिति हमारा रजिस्टर्ड है और हमने महिलाओं के द्वारा ही उस समिति को बनाया गया है और हम चाहते हैं कि उसी समिति के माध्यम से महिलाओं को कैंटीन चलाने में काफ़ी मदद मिलेगी तो उनकी वो भी आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगी। और ऐसी उम्मीद जताते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर दीदी कैंटीनों का की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग को काफ़ी सस्ते स्तर पर सामान उपलब्ध हो सकेंगे और उपयोग में ला सकेंगे और महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगी। क्या आप इस चीज़ को लेकर अपनी मांगों को लेकर कोई पत्र जिलाधिकारी को देंगे सुझाव देने के लिए? इस संबंध में जो है हम जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के जो मंत्री जी हैं उनको हम प्रार्थना पत्र देंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि जो है ये दीदी कैंटीनों का अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी चला जाए, जिससे महिला ग्रामीण क्षेत्र की भी आत्मनिर्भर बने, अधिक से अधिक उन महिलाओं को कौशल विकास से भी जोड़ा जाए, जिससे वे पुरुषों के समान उनको वेतन मिल सके और परिवार की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में सक्षम बने।